भारत में मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा जोर शोर से पीट रही है, लेकिन स्वच्छता के इस मुहिम का जमीन पर कम ही असर दिखाई दे रहा है। सिवान में भी स्वच्छता अभियान केवल कागजों पर चल रहा है। शहर के रेनुआ पुल और घाट पर कचरा डंप किया जा रहा है। इससे आसपास के कई गांवों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नाराज लोगों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोगों का यही मानना है कि आज 3 महीना से यहाँ कचरा फेंका जा रहा है और प्रशासन के तरफ से हम लोग बराबर डिमांड कर रहे हैं, हमारे नेता लोग भी डिमांड कर रहे हैं। आज तक प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई और कल के बाद से 1 सप्ताह के अंदर हम लोग यहाँ चक्का जाम करेंगे और प्रशासन को भी यहाँ बुलाएंगे और प्रशासन इसका जवाबदेही होगा। यहाँ 5 गाँव के लोग मर रहे हैं धुएं के वजह से और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष बबलू साह ने दावा किया है कि कचरा डंप करने के लिए जगह तलाश ली गई है। सबसे पहले मैं सिवान शहर वासियों से क्षमा मांगूंगा ताकि लोगों को तकलीफ और दिक्कत हो रहा है। कूड़ा के लिए जमीन तो लगभग 2 महीना पहले 3-4 महीने पहले खरीदा गया है, लेकिन इसको बाउंड्री करने का काम लगा हुआ है। अंगौता में जमीन लगभग 12 बीघा में लिए हैं लोग, उसका बाउंड्री का कार्य शुरू हो चुका है। बाउंड्री का कार्य समाप्त होते ही सिवान शहर का जो भी कूड़ा निकलता है नगर परिषद क्षेत्र से, इस कूड़ा को वहाँ पर गिराया जाएगा। फिलहाल कूड़ा कहीं ना कहीं गिराना आवश्यक है, इसीलिए जगह जहाँ जहाँ मिल रहा वहाँ हम लोग तो कुछ कूड़ा को ठिकाना लगा रहे हैं। जैसे ही हम लोग की जमीन की बाउंड्री हो जाएगी उसमें हम लोग 20 फीट गड्ढा करेंगे लोग, और गड्ढा करने के बाद वहाँ पर कूड़ा बहुत जल्दी गिरना शुरू कर देंगे। प्रशासन को चाहिए कि लोगों को कूड़े की समस्या से जल्दी निजात दिलवाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिवान से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।